Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में. वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम बढ़िया हैं, थैंक यू सो मच. आप सब लोग कैसे हैं? चलिए कुछ सवाल शुरू करते हैं दोस्तों. आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की, कि आगे आने वाले 2-3 दिन में हम क्या करेंगे. आने वाला जो टाइम आपका बचा है, आपके पास 3 दिन होंगे लगभग, 19, 20, 21, 22, मैक्स टू मैक्स 4 दिन आप मान लीजिए, जिसमें से सैटरडे संडे भी आ गया. अगर सैटरडे संडे में से भी ट्राई कर लेंगे एक दिन क्लास हम रख लें, तो कैसे करना है हमको आगे. तो जो अब ये जो 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो रीसेंट ईयर्स के, ठीक है, जो लास्ट आपके 2016, 17, 18 के अंदर वाले जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आप बात करें एसएससी जेई की, गेट ईयर्स के बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक वाले जो कि जेई में पूछे जा सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन उन पर हम फोकस रख लेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ सकते हैं. तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम टाइम के जस्ट पास आके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आरआरबी से कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्होंने प्लस पे भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से खूब सारे क्वेश्चन खुद भी लगाए उन्होंने, और जो क्लासेस में करवाए गए वो भी उन्होंने कर लिए हैं. तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करने का इतना ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता है. सिर्फ अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है, जैसे अगर जेई का एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट हो रहा है, तो ईएस या गेट के जो लास्ट रिसेंट ईयर के होते हैं, इजी वाले, वो उनमें से उठा लेते हैं कभी कभी क्वेश्चंस. तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे हम, और साथ ही 2016-17 के जेई के क्वेश्चंस भी हम आने वाली ये 2-3 क्लासेस के अंदर अंदर करेंगे, ताकि लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम आराम से वहां से आसानी से कर पाएंगे, स्मूथली हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले मैं यही बोलूंगा यहाँ पे, कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा 5, 7, 10 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, या ये कह लो आधे से ज़्यादा ही नहीं हो पाए, तो भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. इन क्वेश्चंस को अभी यहाँ पे देख लेना है, सीख लेना है. अगर सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाए तो आपके लिए एक हेल्पफुल ही रहेगा. चलिए शुरू करते हैं. विदाउट कैलकुलेटर की अगर बात करें, अगर आपको कैलकुलेटर में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर के बिना प्रॉब्लम आती है, लॉग वाली वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करें, फ्रैक्शन में अगर पावर दे रखी है तो कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चंस का यही है कि अगर आप नियर अबाउट वैल्यू आप पता कर सकते हो तो उससे कर लीजिए. और बेटर ये होगा अगर लॉन्ग कैलकुलेशन आपको दिख रही है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बढ़ जाइए. क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत मिनिमम टाइम है, बहुत कम टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ए लॉन्ग कैरिंग थ्री हिंज्ड आर्क के केस में, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, जल्दी से बता दीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, नो स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ थ्री हिंज्ड आर्क ड्यू टू टेम्परेचर चेंज अलोन, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है ये. नेक्स्ट बात करें, देर इज अ डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. देर इज एन इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो फर्स्ट टू आपके ये रिपीट हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट, फर्स्ट टू आपके करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, अच्छा यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, देर इज अ डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शंस अलग अलग एंड डिफरेंट है, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, तो देर इज अ डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर करेक्ट फॉर आइडियल बीम बिहेवियर? बीम बिहेवियर के लिए इनमें से कौन से क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताएं. आइडियल बीम बिहेवियर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए. ए बी सी डी. द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग लेटरली. लेटरल मूवमेंट के लिए जो कंप्रेशन फ्लेंज होता है किसी भी बीम का, उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है. सही बात है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे? द टेंशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग लेटरली. ये बात सही नहीं है, इसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, टेंशन फ्लेंज जो आपका होता है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एनी फॉर्म ऑफ लोकल बकलिंग इज प्रिवेंटेड. तो जो स्टेटमेंट वन और थ्री है, ये जो हमारे अजम्पशन होते हैं आइडियल बीम बिहेवियर के, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट वन एंड थ्री. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रूफिंग कंटेक्स्ट इज द लोडिंग कैरिड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर फ्लेक्जर एंड फ्लेक्जर ड्यू टू शेयर इंड्यूस्ड बाई द रिलेटिव डिफॉर्मेशन बिटवीन द एंड ऑफ टॉप एंड बॉटम कॉर्ड मेंबर्स. तो यहाँ पे बस आपको दोस्तों अब इतना डिटेल में तो आपको नहीं जाना है, विनियर डील गर्डर्स कौन सी हैं, सीजर गर्डर कौन सी हैं. आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मंसार्ड गर्डर्स. और जो मंसार्ड ट्रस होता है वो क्या बताता है आपको, कि व्हेन स्ट्रेट मेंबर्स आर यूज्ड फॉर टॉप कॉर्ड्स दे आर कॉल्ड एज मंसार्ड ट्रसेस. तो इससे रिलेटेड ये ईएस का क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर का ही जस्ट. नेक्स्ट, बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड. बियरिंग स्टिफनर के बारे में आपने पढ़ रखा है, बियरिंग स्टिफनर्स हम कहां प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से बताइए. कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये स्किप करने वाले क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्या, सबके सब क्वेश्चंस आपके ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो. तो एक बार बस इनको देखते जाइए, सेम क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए एग्जामिनेशन में तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट. बेयरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पे भी कंसेंट. देखो बेयरिंग का काम क्या होगा, बेयरिंग मतलब जो लोड आ रहा है, जहां पे कंसंट्रेशन आ रहा है, जहां पे क्या कर रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है. तो कहां पे प्रोवाइड करेंगे, एंड्स ऑफ प्लेट गर्डर पे नहीं, एंड्स ऑफ प्लेट गर्डर एंड ऑन फेसिस ऑफ बोथ द वेब जरूरी नहीं, एट द एंड्स ऑफ प्लेट गर्डर एंड ओनली ऑन वन फेस ऑफ द वेब नहीं, एट द पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड लोड्स टू प्रोटेक्ट द वेब फ्रॉम डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड्स. तो बेयरिंग स्टिफनर हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बेयरिंग बेसिकली क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स जो लगती है दो सर्फेसिस के बीच में, उसको हम बोलते हैं. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ पर्लिंस पर यूनिट एरिया इज पी and the cost of roof covering per unit area is R, then the cost of trusses per unit area for an economical spacing is. अब इसका बहुत बड़ा derivation है, हमें roof trusses के ऊपर इतना detail में नहीं जाना है, derivation के ऊपर आप बस याद रख लेना कि अगर आपको cost of purlin P दे रखा हो, cost of roof covering दे रखा हो R, cost of trusses per unit area आपको पूछे, तो वो किसके बराबर होता है, 2p plus r. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2p plus r के बराबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप फैक्टर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी नियरली. ट्राइंगल का शेप फैक्टर कितना होता है, जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, इस टाइप के ट्राइंगल का शेप फैक्टर कितना होता है, आपको बताया था प्लास्टिक एनालिसिस जो है. एक बार आप बस जो वैल्यूज हैं अलग अलग शेप्स की उनकी याद कर लीजिए, उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन मिल जाता है हमको. शेप फैक्टर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी नियरली कितना होता है, इसका पीडीएफ मिलेगा दोस्त, पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, जरूर मिलेगा. कितना होगा यहां पे, जल्दी बताइए. टू पॉइंट थ्री होता है. एक बार से इन सभी को एक बार आप रिकॉल कर लीजिए. ट्राइंगल के लिए 2.3, अगर सेम ट्राइंगल आपको इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे बेस को आपने टिल्ट कर दिया है, तो होता है 2. रोम्बस के लिए 2,
रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के लिए 1.5 हो जाता है, सर्कल के लिए 1.6 या 1.7 कह सकते हैं आप यहाँ पे, हॉलो सर्किल के लिए 1.2 होता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है अक्सर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटीग इन आरसीसी बीम्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ साइकिल्स इज लेस देन, फटीग इन आरसीसी प्रॉब्लम्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ साइकिल्स किससे कम होने चाहिए, जो आपके रिपीटेड स्ट्रेस जो आपका लगता है कंप्रेसिव टेंसाइल रिपीटेड जो साइकिल ऑफ स्ट्रेसेस लगते हैं उसके कारण जो फेलियर होता है वो फटीग होता है हमारा। तो आरसीसी बीम्स के अंदर ये कब एक प्रॉब्लम नहीं होगा, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक ये एक प्रॉब्लम नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका ईएस में पूछा हुआ है। जल्दी से बताइए, टिप्स की बात करें दोस्तों, टिप्स के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो पैटर्न रहेगा आपका पढ़ने का, अभी भी आपके पास 2-3 दिन ही बचे हैं वैसे तो, लेकिन अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले क्या पढ़ूं, तो उन बच्चों के लिए जो अब रिसेंटली जिन्होंने पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि लास्ट 2000 आप शुरू हो जाएं, चाहे 14 से शुरू हो जाएं, तो 14 से लेके 17 क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इनके पूरे एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आप सारे पढ़ लीजिए, एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद उनसे पीछे पीछे आप क्वेश्चंस की तरफ चलते रहिए। बीएमसी सर्वे ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट हम छोड़ दें, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो जो छोड़ने वाले सब्जेक्ट हैं उनके आप 50-50, 100-100 इजी वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर लो, कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो वो तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं, सारे ईएस के क्वेश्चंस हैं और इसी साल के हैं, ठीक है, इसी ईयर के ईएससी के क्वेश्चंस हैं ये सारे। करवाने का पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि आपका ईएस क्रैक करवाना है, करवाने का पर्पज़ ये है कि इन क्वेश्चंस में से बहुत बार जेई में क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो बस यही पर्पज़ है, एक बार इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस को करवाने का ये पर्पज़ बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे आपको ये दिखाना बिल्कुल ही नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, तो आज के दिन ये नहीं सोचना है कि आपने जो प्रेपरेशन किया है वो वेस्ट हो रही है, आपको तो ये सब आता ही नहीं है, तो बस जस्ट इन क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, दैट इज़ द मेन मोटिव, ठीक है। तो कितने होते हैं, 20,000 साइकिल्स करेक्ट आंसर होगा, फटीग जो हमारा है 20,000 साइकिल्स तक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4 न्यूटन, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे रखी है आपको m20 के लिए, क्यूब साइज 150 mm, के की वैल्यू 1.645, एवरेज स्ट्रेंथ आपसे पूछी है, ठीक है, यानी कि मीन स्ट्रेंथ आपसे पूछी है, सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, जल्दी से बताइए। हाँ, आरआरबी के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, चाहे 500 वाले क्वेश्चंस थे, जितने भी हमने अभी तक एमसीक्यूज किए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, और उन जो आरआरबी वाले अपने थे क्वेश्चंस उनमें एसएससी के बहुत सारे थे, एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अगर आप उन क्लासेस को भी रेफर कर रहे हैं तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत हार्ड है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को करना है, इन क्वेश्चंस के अराउंड नहीं करना है, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला था, ऐसा कुछ याद आ रहा है, मीन स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन, मीन स्ट्रेंथ के बीच में ये रिलेशन था, जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करिए, फॉर्मूला है आपको, मीन आपको पता करना है, यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी हैं, एफ सी के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यूज पुट करिए जल्दी से और आंसर बताइए, ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, जल्दी से बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, एफसीके की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, के की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू सब तो दे रखा है, बस पुट करना है आपको, आ रहा है आंसर, अब तो इजी है, बस डिफरेंस इतना है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर के की वैल्यू हमने कंसिडर करके पढ़ रखी है, यहां पर आपको क्वेश्चन में भी दे रखी है, सो वेरी इजी क्वेश्चन, आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला भी ये ईएस का क्वेश्चन है, अब देखिए आप क्वेश्चन वहां भी इजी आते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वहां पे बिल्कुल एकदम हलवा आता है, लेकिन आज एक पेपर में से ही हैं ये सारे क्वेश्चन, एक सेट में से ही हैं, तो आप यही देख लीजिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अ स्ट्रट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर बार 5 मीटर लॉन्ग एंड पिन जॉइंटेड एट बोथ एंड्स,
when freely supported the bar gives mid-span deflection of 10 mm under a load of 80 newton at the center. आपको लोड दे दिया 80 न्यूटन, लोड की वैल्यू दे दी 80 न्यूटन, डिफ्लेक्शन आपको दे दिया 10 mm, पिन जॉइंटेड है दोनों एंड्स पे, या ये कह लो सिंपली सपोर्टेड है. कॉलम के लिए अगर पिन जॉइंटेड होगा तो इफेक्टिव लेंथ, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल के बराबर होता है. 5 mm लॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे लेंथ जो आपकी आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ भी 5 मीटर ही हो जाएगी. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्रिटिकल लोड या यूलर लोड आपसे पूछ रहा है. क्या था यूलर लोड? पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर था ना. एडमिट कार्ड दोस्त, एक बार अगर जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग होती है, अलग ब्राउजर में आप एक बार ट्राई करके देखिए. डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप प्रॉपरली एंटर ना कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करके देखिए. फिर भी अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, अभी भी आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, तो एक बार आप SSC को, एडमिट कार्ड तो अभी भी वैसे आए नहीं है, अगर आपको सिटी इंटीमेशन भी नहीं शो हो रहा है, तो आप SSC को एक बार ईमेल लिख सकते हैं और उसमें अपनी प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ आप दे दीजिए. चलिए जल्दी से बताइए, देखिए सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले बात करें क्रिटिकल लोड, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है, ये चीज तो मुझे पता है. अब आप ये देखिए कि मुझे यहाँ पे EI की वैल्यू नहीं दे रखी, E की वैल्यू नहीं दे रखी, I की वैल्यू नहीं दे रखी, L इफेक्टिव तो चलो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा कि 5 मीटर लॉन्ग है, तो मैं L इफेक्टिव मेरा L के बराबर ही हो गया 5 यहाँ पे वैल्यू. अब मुझे पता करना है EI की वैल्यू, तो EI की वैल्यू कहाँ आती है? डिफ्लेक्शन के अंदर. डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला था हमारा, तो बोथ एंड हिंज्ड वाला केस हमें दे रखा है, तो इस केस में जो आपका L इफेक्टिव होता है एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है. एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे. अभी भी क्वेश्चन हमारा वहीं अटका हुआ है कि EI की वैल्यू मैं कैसे सॉल्व करूँ. तो अगर हम देखें, जब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सुपर पोजिशन थियोरम पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड के केस में डिफ्लेक्शन जो आता है वो आता है WL क्यूब अपॉन 48 EI. कितना आता है? WL क्यूब अपॉन 48 EI. यहां से हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे रखी है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 mm, यानी कि 10 mm इज इक्वल टू W. लोड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 80 न्यूटन. पुट करिए, साथ साथ सॉल्व करते रहिए दोस्तों, जितना आप अपना पेन चलाएंगे उतना आपका दिमाग ज्यादा चलेगा. फटाफट साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे. तो 10 mm इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 48 EI. L क्यूब की वैल्यू पुट कर लीजिए, L इक्वल टू आ जाएगा आपका 5. 5 यहाँ पे पुट करिए, W की वैल्यू 80 पुट करिए, W 48 EI. तो यहाँ से आप EI की वैल्यू लिख सकते हैं, EI की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 इंटू 5 क्यूब अपॉन 48 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. और उस EI की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें EI की वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. ठीक है, आसान है, बस इसमें दो चीज़ों का यूज़ हुआ था अल्टीमेटली. एक आपको क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, SSC में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन. ठीक है, इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन कितना आता है. तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, याद नहीं है तो मुश्किल है. नेक्स्ट, द रिकमेंडेड इम्पोज्ड लोड ऑन स्टेयर केस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एज पर IS 875 कितना होता है? Imposed load on staircase. अब ये code based value हो गई, अगर याद है तो answer कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे. तो कितना होता है? 3 kN/m² 3 kN/m² किसके लिए होता है? Staircase में. Next question, a 230 mm brick masonry wall is to be provided with a reinforced concrete footing on site having soil with safe bearing capacity. तो जहां भी आपको ये टर्म्स दिख जाए ना दोस्तों, जहां पे भी आपको फुटिंग वर्ड दिख जाए पहली बात, दूसरी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी दिख जाए, फिर उसके बाद आपको यूनिट वेट भी दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं रैंकाइन फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, रैंकाइन फॉर्मूला यूज करना है. एक हिंट मैंने आपको दे दी है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. एंगल भी आपको दे रखा है, वैल्यूज आपको सारी दे रखी है, सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, अगर याद है तो इंस्टेंटली आंसर आएगा आपका. जल्दी से आंसर बताइए. न्यूमेरिकल थ्योरी परसेंटेज दोस्त, ऐसा सच कुछ नहीं होता है कि कितने न्यूमेरिकल आएंगे कितनी थ्योरी आएगी. सीधा सा कॉन्सेप्ट तो यही है कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट हैं, तो न्यूमेरिकल होगा भी तो डायरेक्ट होगा, टू द पॉइंट, डायरेक्ट फार्मूला वाला. जल्दी से बताएं जिन लोगों को याद नहीं आ पा रहा है, एक बार फार्मूला देख लीजिए. फार्मूला आपके सामने है,
बेयरिंग कैपेसिटी अपॉन यूनिट वेट 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव और पूरे का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके अब आप लोग आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए। आंसर आ नहीं रहे हैं, एक दो बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अरे बताओ, अरे संजय जी ऐसा कुछ नहीं है, ईएस एंड गेट अपने बस का नहीं है, आप यही बताओ। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है। जब तक हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं, अगर मैं आपको बोल दूं एएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दो, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दो, ज़िंदगी बदल जाएगी, आईएएस ऑफिसर आज के टाइम में राजा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बोलोगे क्या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, जेई बनना है, जेई में खुश हैं अपन। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। द डे यू गेट टू नो अबाउट द थिंग्स, प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, बाद की लाइफ कैसी होती है, किस वे में पढ़ना है, हमें क्या लगता है कि गेट, ईएस और जो आपका चाहे आईएएस की बात कर लीजिए, इन सब के बारे में जब भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हम उसको स्किप इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस रास्ते से जाया जाए। हमें ये लगने लगता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ आस्ड इन दोज एग्ज़ाम्स। हमें उनकी स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है, हमें ये नहीं पता होता है कि कितना सिलेबस है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100% नंबर तो किसी के ही नहीं आते हैं, ठीक है, 100% नंबर तो किसी के ही नहीं आते हैं। तो ये तो सोच के मत ही चलिए आप कि ऐसे एग्जाम्स, जब भी आप चाहे ईएस की गेट की बात कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी में आप 100% स्कोर कर जाओगे। तो वहाँ भी ऐसा होता है, जो टॉपर होता है उसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाते हैं, तभी भी ऑब्वियसली तभी इतनी कम कट ऑफ जाती हैं। तो सोचना ऐसा नहीं है, जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम कर सकता हूँ, अपने आप आपको आगे के आगे विजन्स दिखते जाएंगे। जल्दी से बताइए, हिंदी में बताएं। अब हिंदी में दोस्त थोड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम से जो अपने बैचेस शुरू होंगे मैं आपको ज़रूर बता दिया करूँगा, मैं पहले से थोड़ा मैं होमवर्क करके आऊँगा कि हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इनको, बेयरिंग कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्त मुझे पता नहीं है। जल्दी से फॉर्मूला आपके सामने, आंसर बताइए ना। क्वेश्चन मुश्किल लगता है, क्वेश्चन मुश्किल कहाँ है, वैल्यू सारी दे रखी है। देखो Q की वैल्यू क्या होगी, बेयरिंग कैपेसिटी 125 दे रखी है, गामा यूनिट वेट, यूनिट वेट की वैल्यू आपको दे रखी है, थीटा 30 डिग्री एंगल दे रखा है आपको। अब और क्या चाहिए, क्या मुश्किल है इसमें, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, सॉल्व करिए जल्दी से इसको। आज ऊपर से जा रहा है तो टेंशन मत लो, ये बोनस वाले क्वेश्चन हैं, ये समझ के कर लो। तो जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट देखो, मेरा मोटिव यहाँ पे आपको एनकरेज करना ये नहीं है कि हाँ ये सब छोड़ के गेट की तैयारी में लग जाओ, ये सब छोड़ के ईएस की तैयारी में लग जाओ। ऑब्वियसली जेई की पोस्ट भी एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, और स्पेशली अगर आप बात करें गेट के अंदर भी कितने जो टॉप 200-300 होंगे बच्चे, वही सक्सेसफुल होते हैं, वही अच्छी जगह होते हैं। बाकी चलो ठीक है, एमटेक करेंगे देन इट इज़ फाइन, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे गेट के थ्रू अच्छी जॉब लेनी है तो टॉप 200। बाकी सब बच्चे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। अल्टीमेटली द पॉइंट दैट आई वांट टू से हियर इज कि कोई भी काम आप करें, ठीक है, ये तो एग्जांपल्स थे इन एग्जाम के, कि आप जिंदगी में कोई भी काम करें, जरूरी नहीं है कि किसी एग्जाम को ही क्रैक करना है। कोई भी एक्स वाई जेड आप काम शुरू कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपने थिंकिंग से आप कोई भी अपना जो भी आपका पैशन है अगर वो फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपको लुभाती है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, रादर देन उसकी कमियां ढूंढने के बजाय कि यार इसमें तो ये दिक्कत आने वाली है, इसमें तो ये दिक्कत आने वाली है, तो उसकी तरफ आप काम करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस के धीरे धीरे आप पास चलते जाओगे और आपको रस्ते अपने आप मिलने लग जाएंगे। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, With reference to ensuring minimum shrinkage of pre-stressed concrete, pre-stressed concrete के minimum shrinkage होने के इन statement में से कौन कौन से सही हैं? The water cement ratio and proportion of cement paste should be kept minimum to reduce shrinkage. जितना ज़्यादा water होगा उतना ज़्यादा shrinkage आएगा, वो water जब evaporate हो जाएगा तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। water cement ratio जो है वो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे जिससे कि shrinkage कम हो। एग्रीगेट ऑफ लार्जर साइज वेल ग्रेडेड फॉर मिनिमम वॉइड, वेल ग्रेडेड मतलब वेराइटी ऑफ साइज होगा, जब वेराइटी ऑफ साइज होगा तो वॉइड्स कम होंगे, अच्छे से वो फिक्स हो जाएंगे। स्मॉलर अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड अटेंडेंट श्रिंकेज विल बी स्मॉलर।
तो अगर सीमेंट पेस्ट का अमाउंट भी छोटा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम इवॉल्व होगी वहाँ से, तो ओवरऑल जो आपका श्रिंकेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। हार्डर एंड डेंसर एग्रीगेट्स ऑफ लो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल एग्जिबिट स्मॉलर श्रिंकेज। तो तीनों स्टेटमेंट जो आपके हैं बिल्कुल सही हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स द कॉर्नर एंड एज कॉलम्स मे बी सब्जेक्टेड टू, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो जो कॉर्नर वाले, किनारे वाले, एज पे जो कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस यहाँ पे आते हैं, उनकी बातें हो रही है। क्या सिर्फ बेंडिंग होती है, यूनिएक्सियल मतलब एक डायरेक्शन में बेंडिंग ही होती है, बायएक्सियल बेंडिंग होती है, या कंबाइंड बायएक्सियल बेंडिंग एंड टॉर्जन होता है, या फिर कंबाइंड बायएक्सियल बेंडिंग एंड टेंशन होता है। तो इस केस में जब भी अर्थक्वेक आता है दोस्तों, तो एक साइड वाले कॉलम पे, अब वो सिंपल सिचुएशन आप इमेजिन करके देख लीजिए, कोई भी बिल्डिंग है जब अर्थक्वेक आएगा तो वो इधर उधर क्या करेगी, टर्न होगी। टर्न तो मतलब नहीं बोल सकते उसको, क्या कर सकते हैं, हल्की फुल्की उसमें बेंडिंग आएगी। जब उसमें बेंडिंग आएगी तो एक साइड जो एज वाले कॉर्नर है उन पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, खिंचाव आएगा, यानी कि टेंशन तो डेफिनेटली आएगा। तो जब वो खिंचेंगे तो टेंशन आने वाला है, तो एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करके ही निकाल सकते हो यहां से कि टेंशन आने वाला है। दूसरा उस पर क्या आएगा, बायएक्सियल बेंडिंग भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इन अ रेक्टेंगुलर कॉलम फॉर एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए रेक्टेंगुलर कॉलम में 8 नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, द परमिसिबल ऑफ अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ ब्रिक मैशनरी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस किस पे डिपेंड नहीं करता है आपका जो परमिसिबल अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, एलिमिनेट करते हैं। एफ्लोरेसेंस कहीं पे एक्ट करता है, एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो ग्रे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, अगर 24 घंटे तक ब्रिक को हमने पानी के अंदर अगर उसमें डिसॉल्व करके रखा, पानी के अंदर इमर्स करके रखा, तो उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, जिनके कारण क्या होता है, ग्रे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब वो एफ्लोरेसेंस कहाँ एक्ट करेगा इनमें, ठीक है, तो वो एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर इरिगेशन ऑफ वाटर, कंसेंट्रेशन इसमें ये दे रखी है, द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है। बहुत बार पता है क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, एक जुनून होता है, कोई भी एग्जाम के लिए हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ इस एग्जाम के लिए मैं कर सकता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एस एस सी जेई के लिए आपको लगता है आपने 10-15 सवाल देखे, आपको एकदम ऐसे लग गया, या आपने कोई क्लास अटेंड की तो आपको लगा कि हाँ ये क्लास करने के बाद अगर इस तरीके से मैं ऐसी क्लासेस और कर लूँ और अगर सब सब्जेक्ट मैं इस पेस पे पढ़ लूँ तो मैं ये एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा, तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है हमारे अंदर। लेकिन बाद में क्या होता है, एक दिन सडनली हम कोई क्वेश्चन उठा के बैठते हैं और हमें ये लगता है कि यार ये 4 क्वेश्चंस तो मुझसे हुए नहीं, तो मैं इस एग्जाम को यार कैसे क्लियर करूंगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो तब जो तमाम नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमारी आंखों के सामने आने लग जाती हैं। तो तब अपने आप से सिर्फ एक ही बात आप बोलना कि अगर जेई बनना होता है या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो ऑफिसर आपको बनना होता तो वो आप पहले ही बन जाते, ये ही तो वो डिफरेंसेस हैं जो हमें क्लियर करने हैं, बाकी सब तो हमें आता ही है, कुछ रास्ता तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में मैं ये सोचना शुरू कर दिया कि यार ये एग्जाम मेरे बस की बात नहीं है, यही वो पॉइंट्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डाउट्स जो हैं मुझे क्लियर करने हैं, जो अच्छे से मुझे पढ़ना है बस, तो वो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हट जाएंगे, उसके बाद वो एग्जाम आपको टफ नहीं लगेगा। तो फटाफट से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, सिंपल सा है, एक प्यारा सा फॉर्मूला है यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का, अगर वो आपको आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं सारी, कंसंट्रेशंस दे रखे हैं सबके, सोडियम का दे रखा है आपको, कैल्शियम का दे रखा है, मैग्नीशियम का दे रहा है, सोडियम अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम बाई 2, छोटा सा फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम अपॉन अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम डिवाइड बाय 2, आंसर बता दीजिए जल्दी से वैल्यूज पुट करके।
प्लस के ऊपर आपकी एसएससी जेई 2019 के लिए जब भी क्लासेस लगेंगी तो अब आपको बता दिया जाएगा। जब भी क्लास लगेगी या फिर जो भी आपके स्केड्यूल होंगे, चाहे आपके मेन से रिलेटेड हैं 2018 के या 19 से रिलेटेड, आपको बता देंगे कि कब से शुरू होगा, क्या प्लान्स हैं। मीनवाइल अगर आपको पूछना हो तो आप वाईफाई स्टडी को मेल कर देना या फिर आप कॉल कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, 24 आपको दे रखा है सोडियम का कंसंट्रेशन, 3.6 आपको दे रखा है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का 2 दे रखा है, वैल्यूज पुट किए यहाँ पे, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 14.34, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ गायरोन इज ग्रोइन क्या होता है? रिवर के अक्रॉस हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, रिवर या फिर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अक्रॉस में हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं। काम क्या होता है इसमें से, इसका किसी भी फ्लो को हमें क्या करना होता है, डाइवर्ट करना होता है, ट्रेन करना होता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक बार आप इमेज देखेंगे, इमेज से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, जो आपका वाटर है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा यहां से, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन इन एक्सेसिव अमाउंट्स इन वाटर। ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, क्लास में क्वेश्चन किया था, नोट्स में ये क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन ईएस तक में आया हुआ है। तो आप सोच लो यार कि क्लास के जो नोट्स होते हैं आपके, दे आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जल्दी से बताइए आप इनमें से, मैथेमोग्लोबिनीमिया, ब्लू बेबी डिजीज भी इसको बोलते हैं हम, किसके कारण होता है? अमोनिकल नाइट्रोजन, एल्बमिनॉइड नाइट्रोजन, नाइट्राइट या नाइट्रेट, किसके कारण? एक बार याद करें अगर क्लास को, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। याद करें अगर क्लास को, नाइट्रोजन कंटेंट के अंदर हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट में कि ब्लू बेबी डिजीज जो है वो किसके कारण होती है, नाइट्रेट के कारण होती है। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है इसकी, 45 मिलीग्राम पर लीटर, और इससे ज़्यादा हम नहीं एक्सेप्ट करते, कॉज फॉर रिजेक्शन भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर? कौन सा होता है एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, कौन सी गैस रिलीज होती है? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये। अब फिर वही होता है कि सर क्या ईएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अभी लास्ट, जो सबसे लास्ट वाला पेपर था उसमें यही आया हुआ है, लेकिन टफ वाले भी होते हैं, ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। जल्दी से बताइए, मीथेन होता है, बहुत बढ़िया, मैंने बताया था यार, यू ऑल पीपल आर स्कॉलर्स, आपको सब आता है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैनिंग टाइप ऑफ प्लूम, प्लूम क्या होती है? अलग अलग टाइप की प्लूम होती है। चलो या तो मैं आपको कल की क्लास में थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा, कल बता देंगे आपको इनके बारे में, प्लूम्स के बारे में भी हमने प्लस पे तो पढ़ लिया था, ये अच्छे से टाइम था अपने पास वहाँ पे। प्लूम्स के बारे में देखिए, प्लूम्स की क्या बात करें, अगर जो भी चिमनी या फिर स्टैक बोलते हैं, स्टैक या फिर चिमनी, जो सोर्स होता है, जो आपका प्लूम निकलता है, धुआं जो निकलता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है? जो चिमनी या स्टैक होता है उससे क्या निकलता है, इस तरीके से प्लूम निकलता है। अब प्लूम जो होता है उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस होती है, टेम्परेचर के साथ कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे कि ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और जैसे जैसे हम एक हाइट के ऊपर जाते जाएंगे, वहाँ जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। इसी को हाइट के साथ जो वेरिएशन होता है, हाइट के साथ जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। अब लैप्स रेट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ईएलआर बोल देते हैं उसको। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होती है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है।
एक आती है एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज कंप्रेशन या एक्सपेंशन के कारण कितना आया उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देते हैं। और उसके अंदर ना तो हीट बाहर जा सकती है ना बाहर से कोई हीट आती है, इस तरीके से हम उसको एडियाबेटिक कंडीशन में स्टडी करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन के एक तो आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट हो जाता है, एक एनवायरमेंटल लैप्स रेट ELR और ALR, इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो अलग अलग कंडीशन होंगी उनके अकॉर्डिंग जो प्लूम है वो बनती है। तो उनमें से एक टाइप की प्लूम होती है जो कि होती है फैनिंग टाइप की। फैनिंग टाइप की प्लूम के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी कंडीशन में बनता है, तो कौन सी कंडीशन में बनता है। एक चीज और आ जाती है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन किसको बोलते हैं, इन्वर्जन का मतलब होता है अगर आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ बना रहे हैं किसके कंपेरिजन में, आप ले लीजिए हाइट वर्सेस टेम्परेचर। आपने किसका ग्राफ बनाया, हाइट वर्सेस टेम्परेचर, हाइट वर्सेस टेम्परेचर का आप ग्राफ बना रहे हैं। तो जनरली आप देखिए क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है कम होना चाहिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो गया। इसी में अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़े, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़े, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये इन्वर्जन हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपका ELR, ALR, इन्वर्जन, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की जो प्लूम है वो आपकी बनने वाली है। तो इन प्लूम्स के बारे में कल आराम से बात कर लेंगे अगर आपको चाहिए डिटेल में, अगर आपको सिर्फ PDF में चाहिए तो मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फैनिंग टाइप ऑफ जो प्लूम बिहेवियर होता है ये कब होता है कि जब इन्वर्जन भी हो रहा हो, इन्वर्जन भी हो रहा हो, इन्वर्जन एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विंड, तो उस केस में आपकी जो फैनिंग प्लूम है ये बनती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन, मतलब काफी टाइम तक अगर हम किसी भी सॉइल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वापस से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गेन करने लग जाता है। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को रीगेन कर लेता है कि उसको कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड अगर हम छोड़ दें तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉफी। सॉइल मैकेनिक्स जब हमने पढ़ा था तब एक बस डेफिनेशन लिखी थी एक लाइन की कि ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है, और आप सोच लीजिए ES जैसे एग्जाम में अगर पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ चेंज, अब बताओ इतना बेसिक सा है और ये भी आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। द रेशो ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ चेंज इन सॉइल एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉटर कंटेंट, टू द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉटर कंटेंट। क्या होता है ये, क्या होता है जल्दी से बताओ, सिंपल। ज्यादा समझ नहीं आए तो ज्यादा समझना भी नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके, ड्राई वॉल्यूम के। करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉटर कंटेंट, करेस्पॉन्डिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू करेस्पॉन्डिंग वॉटर चेंज, जो आपका क्या हो जाता है, ये श्रिंकेज रेशो था, सिंपल सा, आता है सभी को। नेक्स्ट, रिकॉनसेंस सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ स्कीम फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आता है रिकॉनसेंस सर्वे, तो ये आता है दोस्तों पर्पस।
किस काम के लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है सर्वे, जो हम करते हैं रिकॉन्सेंस सर्वे करते हैं। रिकॉन्सेंस सर्वे का मेन अपना टारगेट क्या रहता है कि हम कर क्यों रहे हैं, किस पर्पस के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ रहा है यहाँ पे। तो पर्पस कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग हमारा क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट, इन प्लेन सर्वेइंग वेयर अ ग्रेजुएटेड स्टाफ। अब देखो इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, और इस क्वेश्चन को देख के आपको बस अगर आपको क्लास का एक डायग्राम याद आ जाएगा ना तो आप इस आंसर को ही कर दोगे आराम से। इन प्लेन सर्वेइंग वेयर अ ग्रेजुएटेड स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड इधर विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और इंक्लाइंड, चाहे तो साइट हॉरिजॉन्टल है चाहे थोड़ी इंक्लाइंड है, द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट के कारण रीडिंग जो है वो कम आती है या ज्यादा आती है। एक बार आप देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम था हमने बनाया था कि यहाँ पे हमने हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पे स्टाफ हमने रखा, हमारी जो एक्चुअल रीडिंग जो है वो कैसे जानी चाहिए थी, कैसे जानी चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल। आई कैसे, रिफ्रैक्शन हो गया, अर्थ के सरफेस की तरफ मुड़ गई थी वो रे, तो क्या हो गया, रीडिंग आनी ये थी, आई क्या कम, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। इतना सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट, और ये आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन हो जाएगा जितना आपको दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट शुड बी टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट अप्रोचेज एट टू एंड्स। टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट लाइन जो आपका ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंशियल होना चाहिए, कोई भी अगर आप सरफेस से कनेक्ट कर रहे हैं, एक सरफेस आपका सर्कुलर है यहां से स्ट्रेट वाला है तो इसके टेंजेंशियल रहेगा कर्व जो है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो क्या होगा यहां से एक स्ट्रेट पाथ आ रही है, ये आपका आ गया ट्रांजिशन कर्व जो डॉटेड से मैंने बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है इस ट्रांजिशन कर्व की वो कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, और यहाँ आके जो रेडियस है ट्रांजिशन कर्व की एक फाइनाइट रेडियस आर के बराबर हो जानी चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे सही है, इट शुड मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, सर्कुलर कर्व को भी ये कैसे मिलना चाहिए, टेंजेंशियली मिलना चाहिए, ठीक बात। नेक्स्ट, इट्स कर्वेचर विल बी नेसेसरली बी नॉन जीरो, कर्वेचर विल बी नेसेसरली नॉन जीरो एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट से यहां से कर्वेचर नॉन जीरो, कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर हम अगर मान लो मैं सी से डिनोट कर रहा हूं तो कर्वेचर आपका क्या होता है, वन अपॉन रेडियस। तो हमने क्या बोला कि स्ट्रेट पाथ पे जब ये हो तब इसकी रेडियस इनफाइनाइट होनी चाहिए। आपको यहां पे दिख ही रहा है कि स्ट्रेट पाथ पे जब ये है आपका ट्रांजिशन कर्व जो कि डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, इसकी रेडियस अगर इनफाइनाइट है तो कर्वेचर यहां पे कितना होगा, वन अपॉन इनफाइनाइट। तो वन अपॉन इनफाइनाइट आपका किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर। लेकिन पॉइंट सी तो आपका क्या कह रहा है कि जब स्ट्रेट पाथ पे हो तो इसका जो कर्वेचर है वो नेसेसरली नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो जीरो आ रहा है तो यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अनकन्फॉर्मिटी किसको बोलते हैं, एक नई टर्म है आपके लिए, अनकन्फॉर्मिटी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं जल्दी से बताइए। एनी गेस, एनी आइडिया, व्हाट इज अनकन्फॉर्मिटी, देखिए दो अलग अलग एज की रॉक्स होती हैं ना उनके बीच में कुछ ऐसा स्ट्रेटा अगर जाके डिपॉजिट हो जाए, दो अलग अलग रॉक्स मासेस हैं, अलग अलग एज की हैं, एक पुरानी है एक उससे थोड़ी सी नई है, उन रॉक मासेस के बीच में कुछ ऐसा अगर डेटा यहाँ पे, कुछ ऐसा यहाँ पे सॉइल के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए जो कि कैसे हो, इरोजन के कारण आए हुए हो, नॉन डिपॉजिटेड है कि यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहने वाले हैं लेकिन क्या हो गए यहाँ पे बरी हो गए हैं, सॉइल के अंडर दब गए हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम अनकन्फॉर्मिटी बोलते हैं। तो अ सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन एज डिटेक्टेड इन अ सीक्वेंस ऑफ रॉक्स, जो कि क्या बताता है आपको यहाँ पे कि जो भी डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स का वो कंटिन्यूस नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
कंसीडर टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 90 किलोमीटर पर आर. एक कार जो है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आर, दूसरी की दे रखी है 60 किलोमीटर पर आर. रिएक्शन टाइम आपको दे रखा है 2.5 सेकंड्स. जब रिएक्शन टाइम दे दिया, आपको वेलोसिटी दे दी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया, तो कुछ कुछ याद आ रहा है कि उसने एसएसडी से रिलेटेड पूछा होगा. और अगर एसएसडी से रिलेटेड पूछा है और अगर मुझे फॉर्मूला आता है तो आधी बात तो यहीं पर बन गई. लेकिन थोड़ा सा जो ट्रिक लगाई यहाँ पे, वो क्या लगाई कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.7 और ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे दी 50%. तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि आपको जो म्यू की वैल्यू लिखनी है ना, आप म्यू की वैल्यू मान लेना कि 0.7 तो आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफिशिएंसी दे रखी है 50%. तो 50% ऑफ, यानी कि अल्टीमेटली ब्रेक लगेंगे वो किसके कारण लगेंगे, फ्रिक्शन के कारण ही लगेंगे. फ्रिक्शन आपको 0.7 दे रखा है लेकिन एफिशिएंसी 50% है, तो यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा. अब म्यू की वैल्यू आपके पास है, वेलोसिटी की वैल्यू, v1 की वैल्यू आपके पास है, v2 की वैल्यू आपके पास है. यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ गई, आप आराम से निकाल सकते हैं एसएसडी कितना होगा. रिएक्शन टाइम आपको दे रखा है, जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा आपका आंसर. दोनों के एसएसडी को ऐड कर दो आप, दोनों जो ऑपोजिट व्हीकल आ रहे हैं दोनों के एसएसडी को ऐड कर दो. एक में वैल्यू वेलोसिटी की ये पुट करो, दूसरे में ये पुट करो, दोनों को ऐड करो और जल्दी से आंसर बताओ सॉल्व करके. जल्दी से बताइए क्विकली. जल्दी से बताइए. यहां तक देखो, सिंपल आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी. यहां पे आपको हिंट दे दिया, आप वैल्यूज तो पुट कर सकते हो ना आप. vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g म्यू. जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए. फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला बता दिया, ये लो फॉर्मूला आ गया. अब तो करो ना, अब तो लिखो उसको. इससे ये नहीं हो रहा है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही. अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप वैल्यूज अगर आप पुट कर रहे हैं ना, तो भी इस क्वेश्चन का 70% पार्ट आप ही कर रहे हैं. ठीक है, अल्टीमेटली आप ये फॉर्मूला भी लिखेंगे अपने हाथ से, तो वो भी आपको एक बार के लिए याद होगा. वैल्यूज भी आप इसमें पुट करेंगे, वो भी याद होगा. जल्दी से पुट करिए, आंसर बताइए. ये ना कॉन्फिडेंस अलग होता है. क्लासरूम स्टडी का यही फायदा होता है कि चाहे हमें वो चीज़ नहीं आती है, अगर आप ये खुद से क्वेश्चन करते हैं आपको फॉर्मूला ही नहीं आएगा, आप क्वेश्चन छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे. लेकिन अगर आप देख के भी पढ़ रहे हैं तो भी उसको पढ़ने के फायदे हैं. जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, आंसर बताइए. 285 आ रहा है, करा दी, क्या कर दिए, आंसर छुपा दिए और कुछ नहीं किए. करंट अफेयर कहाँ से करें, भुवनेश्वर करवा रहे हैं ना. करंट अफेयर्स आप करिए, करंट अफेयर. और देखिए करंट अफेयर ना, आप वो वाली फाइल उठाइए. अब डेली करंट अफेयर पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, आप वो वाली फाइल उठाइए जिसमें 6 महीने के 3 महीने के करंट अफेयर्स हों. बहुत सारी ऐप्स भी होती है ना जो आपको बताती हैं कि लास्ट 6 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो एक बार आप उठा के एक बार में पढ़ लीजिए. आप जो जितने 4-5 दिन बचे हैं, सुबह उठते ही या फिर वॉशरूम में हों तब, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप तब देख सकते हैं. जब भी आप कुछ खा पी रहे हैं, थोड़ा सा बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो एक बार आप तब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस एक बार में देख सकते हैं. कितने ही क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 200-300 क्वेश्चन होंगे लास्ट 6 महीने के. जल्दी से आंसर बताइए, आंसर नहीं आया अभी तक. 235 आ रहा है, कोई बोल रहा है 280 आ रहा है, 236 आ रहा है. चलिए आंसर ठीक है, बहुत सही, टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर तो आ रहा है ना, आंसर आ जाना चाहिए आपका. सॉल्व करेंगे इसको, बड़ी सी कैलकुलेशन, आंसर आएगा 236 मीटर. नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड. अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग का अगर फॉर्मूला आता है तो कहानी यहीं शुरू हो जाएगी. अगर नहीं आता तो ये देखते ही क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना. वॉट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड. एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. पेवमेंट की आपको यहाँ पे विड्थ दे दी 7 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेडियस आपको दे दी 200 मीटर. रेडियस दे रखी है, विड्थ दे रखी है,
व्हीकल की आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है 6.5, जो कि जनरली अगर नहीं दी होती तो हम एज्यूम कर लेते हैं 6 मीटर के आसपास, तो 6.5 मीटर आपको यहाँ पे दे रखी है। डिज़ाइन स्पीड आपसे पूछी है, तो फिर से थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से आप सॉल्व करिए, जिनको फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला अपने आप करके सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग फॉर्मूला आपके सामने है, एन एल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस वी अपॉन 9.5 रूट ऑफ R। N की वैल्यू आप 2 पुट कर लीजिए, 2 लेन के लिए N की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए। L की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, चलिए L आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ व्हील बेस जो आपको दे रखा है 6 मीटर या 6.1 हम मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6.5। नेक्स्ट R रेडियस, रेडियस की वैल्यू 200 दे रखी है, पुट करिए जल्दी से। V वेलोसिटी आपको क्या करना है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 65, वैल्यू पुट करिए, आंसर बताइए। एन एल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट ऑफ R, और V यहां पे कैपिटल V लिखा हुआ यानी कि किलोमीटर पर आर में वैल्यू पुट करनी है आपको। SSC मेंस की तैयारी हो रही है, तो ये मेंस नहीं है दोस्त, ये प्री के ही क्वेश्चंस हैं। जल्दी से बताइए, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.7 मीटर, बहुत बढ़िया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से कम आते हैं, लेकिन मैंने वही बोला ना आपको कि प्रीवियस ईयर कभी कभी SSC उठा लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी, तो स्पीड एंड डिले स्टडी में फ्लोटिंग कार मेथड आता है, व्हीकल नंबर मेथड आता है, इंटरव्यू टेक्निक आता है, लाइसेंस प्लेट मेथड आता है, लाइसेंस नंबर मेथड नहीं आता, लाइसेंस प्लेट मेथड आता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से, या ये कह लो कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है, लाइसेंस नंबर मेथड नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फ्लोटिंग कार मेथड होता है, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है, इंटरव्यू टेक्निक होती है, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन होता है, फोटोग्राफिकल टेक्निक होता है। नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ द टनल अडॉप्टेड परफेक्टली इन लियू ऑफ ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन हार्ड रॉक टनल्स वेयर द रिस्क ऑफ रूफ फेलियर और कोलैप्स कॉज्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम लूज और अनस्टेबल सॉइल कंडीशंस ऑन टनल लाइनिंग इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। हार्ड रॉक में जब हम टनलिंग कर रहे हैं, जहां ऊपर से पानी की वजह से या सॉइल की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर आने के चांसेस कम हो, उस केस में हम कौन सा सेक्शन अडॉप्ट करते हैं, कौन सा अडॉप्ट करते हैं, सर्कुलर सेक्शन अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सॉइल के अंदर निडल बीम मेथड का यूज करते हैं। फ्लैटनिंग एंड स्मूदनिंग द रोड सरफेस बाय स्क्रैपिंग इज कॉल्ड, स्क्रैपिंग की हेल्प से फ्लैटनिंग एंड स्मूदनिंग करते हैं, फ्लैट का मतलब लेवल कर देना, तो हमने इक्विपमेंट्स के अंदर भी पढ़ा था एडवांस, जो अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स थे, ग्रेडर की बात की थी वहां पे, तो ग्रेडिंग बोलते हैं इसको, इसकी हेल्प से हम फ्लैटनिंग भी कर सकते हैं, स्मूदनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्री स्ट्रीम, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है रोटेटिंग, रोटेशन की हेल्प से उसको हम लिफ्ट करता है, फ्लूइड जो आपका है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ JEE, या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जस्ट कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने देखा है, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, तो अगर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन यानी कि यस का वहां पे आ जाता है तो आप आंसर कर पाएंगे, यहाँ पे मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द साइट फॉर अ रेन गेज स्टेशन, तो इन ऑप्शंस को एक बार आप पढ़ लीजिए। इन ऑप्शन से पहले आपको बताया था जब रेन गेज स्टेशन हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर देखिए, द साइट वेयर अ रेन गेज इज सेटअप शुड बी क्लोज टू अ मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, नहीं, रेन गेज शुड बी ऑन टॉप ऑफ अ हिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अ फेंस इफ इरेक्टेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द गेज, कैटल एटसेट्रा शुड बी लोकेटेड विद इन ट्वाइस द हाइट ऑफ द फेंस, गलत बात,
ट्वाइस द हाइट से कम में तो हम लेंगे ही नहीं. द डिस्टेंस बिटवीन रेन गेज एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये लाइन एज इट इज हम नोट्स में लिखते हैं सबसे पहले जब भी हम रेन गेज स्टेशन की बात करते हैं. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वॉटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इन रिजर्वायर. पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल से नीचे जो वॉल्यूम होता है उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं. नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ इन लेटर स्टेजेस. बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, बच्चा बच्चा जानता है. क्रीप स्ट्रेन ऑफ सीमेंट अटेन इट्स टर्मिनल वैल्यूज. भाई आपको पता है क्रीप कोफिशियंट, क्रीप जो आपका है समय के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन जो अपनी वो टर्मिनल वैल्यू जो अचीव करता है वो कहां पे करता है, 5 ईयर्स पे. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट. प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है. हाईली रिएक्टिव पोजोलानाज एंड हेंस द अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट. तो पोजोलानास दोस्तों अर्ली एज स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट इतना नहीं करते हैं. ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है. पोजोलानिक एक्टिविटी रिफाइंस पोर स्ट्रक्चर विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट. ये सारी बातें सही हैं, एक बार आप इनको रीड आउट कर लेना. फर्स्ट ही आपका जब इनकरेक्ट हो गया तो बाकी सबका कोई सेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट. सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो आपका है वो सही है. नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्रेड द कॉन्क्रीट. अब ऐसा थोड़ी ना है, वाइब्रेटर का तो यूज करेंगे ही. कॉम्पैक्शन, अगर हम ज्यादा वाइब्रेट कर देंगे तो सेग्रीगेशन होगा, तो अप्रोप्रिएट मेथड तो नहीं हुआ क्योंकि वाइब्रेशन तो हम यूज करेंगे, तो ये अपना करेक्ट नहीं है. रिड्यूसिंग द कंटिन्यूड वाइब्रेशन, तो हाँ ये बात सही है कि वाइब्रेशन लिमिटेड टाइम तक करवानी है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करवाना है उसको, तो करेक्ट है. इंप्रूविंग द कोहेजन ऑफ अ लीन ड्राई मिक्स थ्रू एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. कोहेजन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा और वाटर ऐड कर दो उसके अंदर, तो ये भी बात सही है आपकी यहाँ पे. तो ऑप्शन आपका कौन सा, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन इनमें से हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज इन अ 125 mm स्लम्प द कंक्रीट में लूज अबाउट. 1 घंटे के अंदर कितना स्लम्प यूज करता है, फैक्ट बेस्ड डेटा है दोस्तों, आपको याद ही करना है कि 125 mm स्लम्प के अंदर 1 घंटे में फर्स्ट 1 आवर में जो स्लम्प लूज होता है वो कितना होता है, 50 mm तक स्लम्प जो है वो लूज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और टेक्निक्स विल बी यूज फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट इन डी वॉटर्ड केशन और कॉफर डैम. कॉफर डैम के अंदर हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, इन ड्राई प्रैक्टिस यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ अ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एजेस. ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है आज अपन इतने ही रखते हैं, अभी थोड़ा हैवी हो जाएगा. अभी तक जो हमने 42 क्वेश्चंस किए ना, ये सारे के सारे, ये जो 42 क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस थे. इन क्वेश्चंस को देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगे कि बहुत टफ थे, समझ ही नहीं आ रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि पढ़े नहीं हुए थे. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप रिलेट कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा था उनसे भी थे. हालांकि यहाँ पे मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये बताना था कि इन क्वेश्चन से एक बार आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है. आई नो दिस टाइम ऑफ योर्स इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर यू एंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए कुछ अलग करना ही है डेफिनेटली अपनों. और जिन बच्चों ने अभी तक जो अभी मतलब ग्रोइंग पेस पे ही है, तो आप जो ऑलरेडी अपनी आरआरबी की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लासेस हैं वो क्लासेस आप देखिए, जितनी भी अपनी मैराथन क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज की जो अपनी 500 वाली क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं. तो उन क्लासेस के थ्रू आप होते हुए यहां तक आइए. और यहां पे जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं ना, जो रिसेंट वाले जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनकी बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि नए जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो बच्चा सब याद कर चुका है, उसका टाइम भी यहाँ पे वेस्ट ना हो. मेन मोटिव यहाँ पे ये है, बाकी हेल्पफुल ही सभी के लिए, ऑब्वियसली इट इज़ फॉर एवरीवन. और ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अभी आने वाले जो अपने 2-3 दिन हैं, जितना टाइम अपने पास है, जितना टाइम मिल पाएगा मुझे, मतलब YouTube पे यहाँ पे स्टूडियो में ऑब्वियसली अपनी अलॉट ऑफ क्लासेस आर गोइंग ऑन, तो उनमें से जितना अपने सिविल के लिए अपने अपने पास टाइम है उस टाइम के अंदर अपन मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. और
नेक्स्ट में अपन यही प्लान रहेगा कि गेट ईएस के इजी वाले क्वेश्चंस जो कि एसएससी में पूछे जा सकते हैं, या फिर एसएससी के जो लास्ट रिसेंट में 2016-17 के जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनके अराउंड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हीं के ऊपर अपन फोकस करेंगे, ताकि सब कुछ अगर आपने पढ़ लिया है, ऑब्वियसली आपके पास यूट्यूब पर सारा कंटेंट है, यूट्यूब पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि प्लस की भी, यूट्यूब पर भी आपके पास सब कंटेंट है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज की बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पीडीएफ्स आपके पास सारी हैं, तो उनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो द थिंग इज कि अपने आप को इस टाइम में पॉजिटिव रखें, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखें बस, और अच्छे से आप उनको अटैम्प्ट करते जाइए, क्वेश्चंस को आराम से अटैम्प्ट करिए। अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपने देख ही लिया, आपको सिटी पता लग चुकी है, तो आपकी जो टिकट्स हैं वो करवा लीजिए, आने की भी जाने की भी दोनों टिकट्स आप करवा लीजिए, वेट मत करिए कि सेम डे मैं देख लूँगा तब देख लूँगा, तो लास्ट डे पे आपको इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले से इन चीज़ों को प्लान करके रखिए, जहाँ भी आपको रुकना है अपने रिलेटिव के घर, दोस्त के घर, कहीं भी, तो वो सारे अरेंजमेंट्स आप प्रॉपरली प्लान कर लीजिए पहले से ही वेल इन टाइम, और एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना होगा। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ दोस्त डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वो आप चाहे सेव कर लो अपने फ़ोन के नोट्स में और या गूगल ड्राइव में ऐड कर लो वो फोल्डर को, तो वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स आती रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। और कुछ बताइए, पीडीएफ के बारे में पहले बताएं, पीडीएफ के बारे में बता दिया आपको, पीडीएफ आपको सेम जगह सेम लोकेशन पे आपको मिल जाया करेगी, तो पीडीएफ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना होता है दोस्त तो मुझे बिल्कुल ही आपसे कोई शिकायत नहीं है, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, ठीक है, पीडीएफ भी पढ़ने के लिए ही है तो आप पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको क्लास भी अटेंड करनी है आप क्लास भी अटेंड करिए। और कुछ बताइए दोस्तों, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई चॉइस, कुछ भी हो तो जल्दी से बता दीजिए। SSC 2019 की क्लासेस के बारे में आपको बता देंगे, जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा, वाईफाई स्टडी की तरफ से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कब से क्लासेस होंगी, कैसे क्लासेस होंगी, फिलहाल अपना 2018 के लिए तो चल ही रहा है, और 2018 के लिए जब तक आपका पेपर एनालिसिस होगा तब तक कंटिन्यू रहेगा ही। एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको बताया दोस्त, 200 नंबर का है टाइम, आपके पास 120 मिनट हैं, तो आपको सबसे पहले तो अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम सेव करना है, अगर आपको टाइम वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जीएस उठा लीजिए, अब ये टोटली अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस है, सबसे पहले आप जीएस वाला पार्ट उठा लीजिए, लेकिन इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मान के ही चलो आपको खुद पता लग जाता है अपने आप को, अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मुझे पता है कि मुझे जीएस पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता है, तो अगर मुझे मेरी जीएस बहुत वीक है, ठीक है, ये मैं मान के चल लूं, तो मैं यही देखूंगा कि अगर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, अगर मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, अगर मुझे 100 जो साइंस है, बेसिक साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो मैं 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलूंगा कि मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट होंगे मुझसे, और इसी के अराउंड मतलब सेफली लेके चलेंगे, तो आप डीमोटिवेट मत हो रहिए, फटाफट वो क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेगी इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू होने में, और आप सब लोग तो क्लासेस ले रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके लिए 25-30 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जीएस कर लिया आपने, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाएंगे, अब आप अगर जाना चाहें तो आप टेक्निकल की तरफ पहले चले जाइए, एक राउंड फटाफट आपने देखा टेक्निकल का, फटाफट इजी जो टिक होने वाले क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी से कर दिए, लेकिन एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो आपकी रीजनिंग है ना, जो आपकी 50 नंबर की हैं, उस 50 में से, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, इन 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन तो आपके पक्के ही होते हैं, ठीक है, तो ये 45 आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, अगर आपको एक कॉन्फिडेंस ही लेना है खुद के लिए कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन टाइम ज़्यादा मत स्पेंड करना है यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है 50 क्वेश्चन के लिए, इनके लिए मान लो कि रीजनिंग में थोड़ा बहुत टाइम हमें लग जाता है, तो मोस्ट 45 मिनट्स से ज़्यादा आप इनको नहीं टाइम देना चाहिए आइडियली, ज़्यादा से ज़्यादा फिर अगर आपने दे ही दिया तो फिर 45 या 50 मिनट इसके लिए अगर आपने दे दिए, जीएस के लिए 15 मिनट हो गए तो टेक्निकल के लिए आपके पास एक घंटे से भी कम टाइम बचेगा और 100 क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो कोशिश करना है इनको 40 मिनट्स 45 में मैक्स टू मैक्स आप कंप्लीट कर दो, पर ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पक्के आ ही जाते हैं आपको, कर लेंगे आप इसमें से 45 आराम से स्कोर, और बाकी आपका टेक्निकल बच गया, सबसे पहले आप एक बार फटाफट से टेक्निकल के उन क्वेश्चंस को कर लिया करें जो आपको देखते ही टिक होने वाले होते हैं, और बाद में उन क्वेश्चंस को जिन पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला होता है, बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जिस प्रकार से अगर आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करिए, बस कॉन्फिडेंट रहिए,
जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग काम करना चाहिए आपका वहाँ पे, कि 120 मिनट 200 क्वेश्चन मुझे फटाफट टैकल करने हैं, मैं कैसे करूँ वहाँ पे। वहाँ पे टच ही नहीं होना है किसी टॉपिक को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, कि नहीं ये क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली स्कोर करने से मतलब है, हमें वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि टफ क्वेश्चन मैं करके आया, ठीक है, नंबर आने चाहिए अल्टीमेटली। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है संदीप जानी और स्टूडियो में मौजूद थे हमारे साथ अभिषेक सर।